आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोगों ने अपनी नई मैकबुक ली है तो उसको कैसे वेरीफाई करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं लैपटॉप और टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकबुक को वेरीफाई करने के लिए, अगर आप लोगों ने नई मैकबुक खरीदी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या इनफैक्ट अगर आप लोगों ने सेकेंड हैंड मैकबुक भी खरीदी है तो उसको कैसे वेरीफाई करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आप लोगों को वेरीफाई करने में हेल्प करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 8 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए अपनी मैकबुक को वेरीफाई करने के लिए। सो, बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जो सबसे पहला स्टेप है वो है सीरियल नंबर देखना। सीरियल नंबर आपको क्रॉस चेक करना है कि जो आपके लैपटॉप के पीछे जो दिया हुआ है, जो आपके बॉक्स में दिया हुआ है, एंड जो लैपटॉप के अंदर है, जब आप लोग अबाउट सेक्शन में जाके उसको देखोगे, वो सारे सीरियल नंबर सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको वो सीरियल नंबर वेबसाइट पे जाके चेक करना है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग सीरियल नंबर डालोगे तो आपको लैपटॉप की डिटेल्स आ जाएगी, तो वो लैपटॉप की डिटेल्स आपकी हमेशा मैच करनी चाहिए। उसके बाद आता है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर आपको बॉक्स के पीछे जहाँ पे सीरियल नंबर दिया है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे साइड में रीजन कोड भी होता है, तो आपको पार्ट नंबर को एप्पल की वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक करना है। अगेन मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो वाला पार्ट नंबर एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे लोकेटेड है कि नहीं है। उसमें ये भी देखना है कि रीजन कोड है वो इंडिया का है कि नहीं है। इंडिया का जो रीजन कोड है वो HN/A, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि लैपटॉप कहीं स्मगल करके तो नहीं आया है, कहीं किसी और कंट्री से तो नहीं आया है। सो अगर आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो तो ये चीज़ें देख लेना। अगला स्टेप जो आपको देखना है वो है बैटरी साइकिल काउंट, मतलब कितनी बार इस लैपटॉप को चार्ज किया गया है। जो नए लैपटॉप्स रहते हैं उसका बैटरी काउंट 15 से कम ही होना चाहिए। जो मेरा जो नया लैपटॉप था उसका बैटरी काउंट था 1, और जो ये मेरा पुराना लैपटॉप है इसका जो बैटरी काउंट था वो था 1490। बैटरी काउंट आपको कैसे दिखेगा, अबाउट दिस मैक में जाओगे, सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, पावर पे जाओगे, वहाँ पर आपको बैटरी काउंट दिख जाएगा। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो स्पॉन्सर फिल्मोरा। फिल्मोरा एक काफ़ी पावरफुल वीडियो एडिटर है, बिगनर्स के लिए काफ़ी ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइटल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रांजिशंस है व्लॉग्स और सिनेमैटिक शॉर्ट्स के लिए, 285 इनबिल्ट इफेक्ट्स है, कलर फिल्टर्स है क्रॉप करने के लिए, ब्लर करने के लिए, बिल्ट इन लट्स है कलर करेक्शन के लिए, स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, वीडियोज एंड इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वेबकैम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है और ये मैकबुक के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आप लोग एक ऐसा वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हो जो आई मूवी से ज़्यादा पावरफुल हो और अफोर्डेबल प्राइजेस पर आए, तो फिर फिल्मोरा फॉर मैक इज़ अ गुड ऑप्शन। स्टेप 4 में आपको चेक करना है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के लिए आप लोग जाओगे डिस्क यूटिलिटी वाले टूल में, प्री इंस्टॉल्ड आता है, उसमें फर्स्ट एड पे जाके क्लिक कर देना। उसके बाद वो हार्ड डिस्क चेक कर लेगा, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, नए लैपटॉप्स में कोई इशू नहीं आता है। 5वें स्टेप में आपको इसको करना है डायग्नोस्टिक्स। तो ये चीज़ चेक करती है कि हार्डवेयर में कोई इशू तो नहीं है। अब इसको कैसे रन करना है उसका अगेन मैं आपको आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली पहले आपको सिस्टम को कनेक्ट करना है पावर ब्रिक से, इसके बाद यहाँ पर हमें इसे ऑन करना है, देन डी की को प्रेस करके रखना है, इसके बाद यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स ऑन हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे 5-10 मिनट लगते हैं पूरे प्रोसेस में, थोड़ा थ्रॉटल भी होता है उस टाइम पे, तो फैंस की थोड़ी आपको स्पीड ज़्यादा दिखेगी। एंड देन वो सब वेरीफाई करके बता देता है कि हार्डवेयर में कोई इशू है कि नहीं, जो नए लैपटॉप लोगे उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि क्रोम, जैसे कि एंटीवायरस, ये सब नहीं होने चाहिए। अगर ये है मतलब उसके साथ टैम्परिंग करी गई है। फिर आपको अपडेट करके देखना है, अगर अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐप्स अपडेट नहीं हो रही है, मैकबुक आपकी अपडेट नहीं हो रही है, OS उसका अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब हो सकता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ टैम्परिंग करी गई हो। अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस। देखो बाय एक्सपीरियंस आई नो मैकबुक कैसी रहती है, कैसे उसके कीज रहते हैं, कैसे उसका ट्रैक पैड रहता है, कितना स्मूथ रहता है, कब इसके फैंस थ्रॉटल करते हैं, कैसा उसका डिस्प्ले रहता है, तो ये सारी जो चीज़ें रहती है ये मैकबुक को अलग से सेपरेट कर देती है। तो बाय एक्सपीरियंस आई नो दिस। नाउ अगर आप लोग पहली बार कोई मैकबुक खरीद रहे हो तो आपके पास शायद से वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। इस केस में अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने पहले मैकबुक यूज़ करी है तो आप लोग उसके साथ ही शेयर करो, उसको एक्सपीरियंस करने दो, वो यूजुअली पकड़ लेगा अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो। सो कुछ इन पॉइंट्स से आप लोग अपने मैकबुक को वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि वो जेन्युइन है कि नहीं। मैं भी जब भी अपना कोई लैपटॉप परचेस करता हूँ, चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे वो ऑनलाइन मैंने खरीदा हो, मैं इन्हीं स्टेप्स का यूज़ करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।